भोपाल में आज संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा मंथन हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी संगठन पर्व को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया गया है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में सभी प्रदेश पदाधिकारी, संगठन पर्व के प्रदेश सह प्रभारी, सांसद, विधायक समेत जनप्रतिनिधि मौजूद है। बूथ स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर संगठन चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, संगठन चुनाव को लेकर जिस तरीके से भी तैयारी देखने को मिल रही है और जो कार्यक्रम आयोजित बीजेपी ने किया है, अभी उसकी क्या स्थिति है, किस तरीके का माहौल जो है वो नजर आ रहा है? विवेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे? इस तकनीक खराब के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनकी यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि जी विवेक बोलिए। बिल्कुल, प्रदेश बीजेपी कार्यालय की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि भाजपा संगठन चुनाव को लेकर जो तैयारी है वह देखने को मिल रही। कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिस पर तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वह सभी यहां पर मौजूद हैं और संगठन चुनाव को लेकर जो तैयारी है वह की जाएगी। और बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सदस्यता अभियान चल रहा था, सदस्यता अभियान की यह बात करें तो सदस्यता अभियान के बाद अब जो कार्यशाला का आयोजन रखा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो प्रदेश स्तरीय जो बैठक है वह बुलाई गई है, जिस पर संगठन चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो मंत्री हैं वह यहाँ मौजूद हैं। गौतम टेटवाल की बात करें, दिलीप जायसवाल की बात करें, तमाम जो मंत्री हैं वह सभी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही संगठन चुनाव की बात करें तो संगठन चुनाव को लेकर आज जो चर्चा है वह होती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही संगठन की यदि बात करें तो संगठन चुनाव का क्राइटेरिया क्या रहेगा, संगठन चुनाव किस प्रकार से किए जाएंगे, उस पर जो चर्चा है वो होती हुई दिखाई देने वाली है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री, विधायक, सांसद की बात करें तो वह सभी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं और कहीं ना कहीं जो चर्चा है वह होती हुई लगातार दिखाई दे रही। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठक पर मौजूद रहेंगे, जहाँ पर संगठन चुनाव को लेकर जो चर्चा है वह होगी। साथ ही बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो चुनाव के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस विधायक निर्मला सपरे बीजेपी की सदस्यता ले ली थी और कांग्रेस से अभी तक जो इस्तीफा है वह नहीं दी है, वो भी इस बैठक पर मौजूद हैं। हालांकि पूरी बैठक की बात करें तो संगठन चुनाव को लेकर बैठक है, मगर जिस प्रकार से निर्मला सपरे यहाँ पहुँची है, जिसके बाद तमाम जो प्रश्न हैं वह खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निर्मला सपरे ने अभी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। साथ ही वह अभी जो विधायक है वह कांग्रेस की विधायक है, मगर बैठक पर यहाँ पहुँची है, बैठक पर यहाँ मौजूद हैं और तमाम विषयों में जो बैठकें हैं वह होती हुई दिखाई देगी। और विधायक निर्मला सपरे की बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि बैठक पर मौजूद है। निर्मला जी, आप बैठक पर आई हैं भाजपा? बाद में बात करूंगी, मैं बात करूंगी। जी जी, बैठक पर आप आई हैं भाजपा की? देखिए, मैं अपनी बड़ी बहन विनोद पंती जी से मिलने आई हूँ, चूँकि बीना की लोकल की है, हमारे पारिवारिक संबंध है। इनकी छोटी देवरानी मेरे साथ एक स्कूल में शिक्षिका रही है, कुछ मेरे ज़रूरी उनसे डिस्कशन करना था। चूँकि मैं आज मेरा भोपाल आना हुआ तो दीदी का तो था ही पहले से, तो कल अपन बैठ के बात कर लेंगे। अब चूँकि मैं लेट हो गई तो मैंने सोचा यहीं बात कर लूँ। विवेक, उनसे सवाल कीजिए कि वो कांग्रेस की विधायक है और कई बार उन्होंने नकारा भी है कि वो बीजेपी में नहीं जा रही है, तो आखिर बीजेपी के संगठन चुनाव में इस तरीके से शामिल होना कहाँ तक? देखिए, अभी तो
जब भी होगा, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह रही कि मैं दूंगी या ना दूंगी या जो होगा वो, मैं जो भी मुझसे सदन में जवाब मांगेगा तो मैं सदन में उसका जवाब दूंगी। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो विधायक है निर्मला सपरे वो यहाँ पहुँची हैं निर्मला जी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने को लेकर जो संशय है वह बरकरार है, वह इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी यह उनका निजी मामला है, मगर जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि चुनाव के दौरान निर्मला सपरे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने के बाद लगातार प्रचार में भी दिखाई दी और आज जिस प्रकार से बैठक पर दिखाई दी है, जहां बैठक पर मौजूद है, मगर कांग्रेस लगातार इस्तीफा मांग रही है कि निर्मला सपरे कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हैं वह होते हुए दिखाई देंगे उस सीट पर, मगर निर्मला सपरे ने अभी जो इस्तीफा है वह नहीं दिया है, जिसके चलते कांग्रेस ने कई बार विधानसभा अध्यक्ष को लिखित शिकायत भी की है कि निर्मला सपरे अपना जो पार्टी है, जो अपना स्टैंड है वह क्लियर करें, क्योंकि कांग्रेस में लगातार वो सक्रिय नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ली है, मगर जो उनकी विधायकी है वह अभी भी बनी हुई है। हालांकि निर्मला सपरे का कहना है कि वह इस पर विचार कर रही है कि वह इस्तीफा देगी नहीं देगी, ये तो उनका निजी मामला है, वो कह रही है कि मैं अभी इस पर विचार कर रही हूँ, मगर वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आपने तस्वीर में देखे कि किस प्रकार से स्वराज एक्सप्रेस से खास चर्चा करते हुए विधायक निर्मला सपरे ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेंगी। जी कविता जी, विवेक, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि निर्मला सपरे जो है वह मौजूद है और जो भी जवाब के दिया है उन्होंने उसको देखते हुए अगर बात की जाए तो एक तरफ ये है कहानी आर या पार की होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के वो विधायक है, कई बार उनसे सवाल किया गया, पत्रकारों ने सवाल किए, उन्होंने नकारा, ठीक है। उसके बाद बीजेपी के भी जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उनसे भी उस वक्त सवाल किया गया था निर्मला सपरे को लेकर, तो उन्होंने भी ये बोला था कि बीजेपी में आने का उनका अभी कंफर्म हमें ही नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इस बीजेपी के संगठन चुनाव की जो कार्यशाला है इसमें निर्मला सपरे का मौजूद होना ये तो साफ जाहिर है कि अब कहीं ना कहीं निर्मला सपरे जो है वो बीजेपी का दामन थामे की। तो आप तस्वीर देख सकती कि किस प्रकार से जो प्रदेश स्तर की जो संगठन को लेकर बैठक हो रही थी वहाँ से अब जो विधायक है निर्मला सपरे वो इस बैठक से वापस जा रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बैठक छोड़ के जा रही हैं कि अभी बैठक शुरू नहीं हुई? अब आप लोग तो इतनी वाइड है, सबको डिस्टर्ब करोगे तो फिर कैसे होगा ये बताइए। आप लोग का ये है कि कोई भी कार्यक्रम किसी का भी चल रहा है, किसी भी पार्टी का, उसका शौचालय रूप से हो जाए, बाद में भी ले सकते हैं या नहीं रहेंगे। अभी मुझे बाहर तो जाने दो, तुम लोग के मारे तुम लोग के लिए माइंड है। किस प्रकार से जो विधायक है निर्मला सपरे भाई बैठक से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि बैठक कुछ देर बाद शुरू होती, मगर जिस प्रकार से भाजपा कार्यालय पहुंची थी निर्मला सपरे और वो यहाँ से अब सीधे बाहर जा रही है, उनसे भी यह बात करते हैं। देखिए, परिवार का सदस्य किसी भी पार्टी में हो सकता है, आप जानते हैं, है ना। अब चूंकि मैं यहाँ पर डिस्कशन करने आई थी, लेकिन आप लोगों ने एकदम ही किसी का कार्यक्रम ही खराब कर दिए, तो मैं बाद में जवाब दूंगी। एक शंका हम लोगों को बस ये, आप तो आप पूरा कवरेज पहले वहाँ का तो लीजिए। यदि बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखित में शिकायत की थी। सुनिए, सारे एकदम ले लो पूरा मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं बीना के हित में निर्णय लूंगी, जो मुझे सदन में जवाब मांगा है मैं उसका जवाब सदन में देने वाले दे दूंगी। तो आप बिल्कुल सदन में आप कंफर्म कर लीजिए कि मैं जवाब कब दूंगी। अच्छा, ये मेरा आप लोगों से है। देखो, चूंकि मैं एक सदन की सदस्य हूँ, आप सबसे बोल दी, मैं एक सदन की सदस्य हूँ, मेरा राइट, मैं चूँकि अभी वर्तमान विधायक हूँ, अब सदन में चूंकि आप सभी ने मेरे लिए जवाब नहीं किया था, सदन में नेता प्रतिपक्ष मेरे सामने जवाब करते हैं, मैं उनका उत्तर उन्हीं के लिए दूंगी। तो बहुत जल्दी बस इंतजार कीजिए, बहुत अच्छी खबर आने वाली है। आपने हलफनामा दिया है कि आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, कांग्रेस नहीं? ये किसने कहा कि मैंने ये जवाब दिया है? आपको उसकी कॉपी मिली है क्या? आप तो ये देखिए, चूंकि आप कहते हैं कि मीडिया तीसरी आंख होती है, बिना जवाब की कॉपी लिए मेरे से सवाल मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सारी गलतफहमियां हैं,
अगर नेता ने अगर मेरे को जवाब दिया है तो मैंने जवाब मांगा है तो मैंने उनको जवाब दिया है, और जो आप कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए अभी तो जनता निर्णय करेगी कि मैं किस लूंगी। मेरा सबसे ज्यादा जो सर्वोपरि है वो मेरा बीना विधानसभा का विकास है, क्षेत्र विकास मेरे ही सर्वे। एक सवाल और, आप अभी विधायक हैं, किस दल से विधायक हैं आप? देखिए वो तो आप सब समझ जा रहे हैं ना, मैं जनता की विधायक हूँ, जनता ने मुझे चुना है मैडम, मैं जनता की विधायक हूँ, जनता ही मेरे लिए है, और जनता ही ने जो मुझे जनता निर्णय के लिए बोलेगी मैं वो निर्णय लूंगा। तो तस्वीर देख सकते हैं कि चिताली किस प्रकार से जो कांग्रेस जो विधायक है निर्मला सप्रे, वह भारतीय जनता पार्टी की संगठन की चुनाव समिति की जो बैठक शुरू होने वाली है संगठन चुनाव की, उस पर वो पहुंची थी। पहुंचने के कुछ देर बाद वह बैठक से बाहर चले गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता सब जानती है बीना के विकास को लेकर ही वह निर्णय लेगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर वह हमेशा काम करती हुई दिखाई देगी, मगर जो क्लियर जो स्टैंड है यानी बात की जाए कांग्रेस या बीजेपी की, तो अभी तक वह साफ करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लगातार उनका कहना है कि बीना की जनता ही निर्णय लेगी, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंची, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचने के बाद लगातार वह संगठन की बैठक पर भी मौजूद रहती। मगर कांग्रेस की यदि बात करें तो इसके पहले भी कांग्रेस ने तमाम जो आरोप हैं वह लगाए थे, और अब जो निर्मला सप्रे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सीधे सीधे अब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अभी संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला, और ये उसमें निर्मला सप्रे ने खुलकर बातें सामने नहीं बोली, लेकिन इनडायरेक्टली एक जो हिंट है वो हमें जरूर दे दी है कि आगे कुछ बदलाव जो है वो देखने को जरूर मिल सकता है।